दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में आपने बहुत से ऐसे क्रिकेटर देखे होंगे जिन्होंने एक फॉर्मेट में तो खूब झंडे गाड़े, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में वे बहुत ज़्यादा फ्लॉप रहे। T20 से पहले क्रिकेट में दो ही फॉर्मेट हुआ करते थे, टेस्ट और वनडे, और इनका ही काफी ज्यादा बोलबाला रहता था। साल 2005 के बाद से T20 क्रिकेट भी इसमें जुड़ गया। हालांकि T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट तो एक जैसे ही माने जाते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इनसे काफी अलग है। इसका सबसे बड़ा कारण बॉल होता है, क्योंकि सीमित ओवर क्रिकेट में सफेद बॉल से खेलना होता है और टेस्ट क्रिकेट में लाल बॉल का प्रयोग किया जाता है, जो कि बल्लेबाजों के लिए काफी भयंकर होती है और ये गेंद स्विंग ज्यादा होती है। इसलिए ऐसा होता है कि कुछ बल्लेबाज सीमित ओवर के तो स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्हें कभी मौका भी नहीं मिलता। और कुछ बल्लेबाज तेज तर्रार होते हैं, उन्हें भी टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे ही दिग्गज क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे जो T20 और वनडे के स्पेशलिस्ट रहे, लेकिन उन्हें कभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। डेविड मिलर। डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उनकी छवि एक खतरनाक बल्लेबाज की है, जो कि T20 और वनडे क्रिकेट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं। मिलर ने साउथ अफ्रीका के लिए कई यादगार पारियां खेली और इन्हीं पारियों के दम पर वह अफ्रीका के शानदार बल्लेबाज बन चुके हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अफ्रीका के इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपने करियर में आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। डेविड मिलर ने साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए 132 वनडे मैचों की 114 पारियों में 40 की औसत से 3,231 रन बनाए, जिसमें 5 शतक भी शामिल हैं। तो वहीं T20 क्रिकेट में इन्होंने 78 मैचों की 68 पारियों में 1,409 रन बनाए, जिसमें 1 शतक भी शामिल है। डेविड हसी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बेहतरीन बल्लेबाज माइक हसी के भाई डेविड हसी ने भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को कुछ समय तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने लगभग 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेला। हालांकि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो ज़्यादा सफल नहीं रहे, लेकिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने खूब झंडे गाड़े। डेविड हसी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 192 मैचों में 14,280 रन और 260 लिस्ट मैचों में 8,152 रन बनाए, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते हुए 69 वनडे में 1796 और 39 T20I मैचों में 756 रन बनाए, लेकिन वह कभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। ल्यूक राइट। इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर ल्यूक राइट ने जो काम घरेलू क्रिकेट में किया, वह अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं कर पाए। वैसे ल्यूक राइट ने अपने करियर में जल्दी इंग्लैंड की टीम में जगह बना ली थी। ल्यूक राइट ने इंग्लैंड के लिए 50 वनडे और 51 T20 मैच खेले। इसके अलावा वो इंग्लैंड के लिए घरेलू क्रिकेट में 144 प्रथम श्रेणी और 211 लिस्ट मैच खेलने में कामयाब रहे, लेकिन इसके बाद भी वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट का कभी हिस्सा नहीं बन सके, जो कि एक हैरान करने वाली बात है। यूसुफ पठान। भारतीय टीम के लिए यूसुफ पठान की छवि एक खतरनाक बल्लेबाज की रही और उन्होंने इसे साबित भी करके दिखाया। यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे मैचों की 41 पारियों में 810 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल रहे, और वहीं उन्होंने भारत के लिए 22 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले, जिसकी 18 पारियों में उन्होंने 236 रन बनाए। यूसुफ पठान का IPL करियर भी काफी बेहतरीन रहा। यूसुफ पठान ने घरेलू क्रिकेट में भी 99 फर्स्ट क्लास और 200 लिस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रम से 4,817 और 4,797 रन बनाए। ऐसा रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उनका कोई भी टेस्ट मैच न खेलना बड़ी हैरानी की बात है। किरण पोलार्ड। वेस्टइंडीज का यह क्रिकेटर न सिर्फ वेस्टइंडीज में बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वेस्टइंडीज के सभी क्रिकेटर अपनी घरेलू टीम के लिए कम और T20 लीगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भारत में इनकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है, क्योंकि ये हर IPL में हिस्सा लेते हैं। किरण पोलार्ड भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने अपने देश के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। हालांकि उनका करियर वेस्टइंडीज के लिए काफ़ी लंबा रहा। किरण पोलार्ड
लैम्पार्ड ने वेस्टइंडीज के लिए 113 वनडे मैचों की 104 पारियों में 2496 रन बनाए, जिसमें 3 शतक भी शामिल हैं। तो वहीं उन्होंने 22 टी20 मैच खेलते हुए 1123 रन बनाए, लेकिन अपने देश के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए।